प्याज का पत्ता और आलू का इतना टेस्टी भुजिया बनाइए कि बच्चे हो या बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। इतना हेल्दी और टेस्टी है कि मैं क्या बताऊं। तो आप लोग जरूर बनाइए इस तरीके से। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों आलू और प्याज का पत्ता का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा हमारा सब्जी बनने जा रहा है। दोस्तों यकीन मानिए इतना पसंद आएगा दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। जिनको भी पसंद नहीं है दोस्तों वो मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे हो या बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे दोस्तों, क्योंकि है ही इतना टेस्टी लगता है। तो मैंने एक मुट्ठी हमारे यहाँ हमारा खेत का था दोस्तों, सुबह सुबह एकदम ताज़ा ताज़ा प्याज का। तो देखिए मैंने एक मुट्ठी करीब मैंने यहाँ पर काट ली हूँ प्याज का पत्ता इसको, और दो हमारा मीडियम साइज का आलू था दोस्तों, इसको भी मैंने छील के छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, देख सकते हैं। तो दो आलू और एक मुट्ठी हमारा प्याज का पत्ता, एक बड़ा मीडियम साइज का प्याज, एक सूखल मिर्ची, यहाँ पर मैंने जीरा सरसों और ये सौंफ है दोस्तों हमारा, ये मैं फ़ौरन के लिए ले ली हूँ। तो चलिए फटाफट से इधर मैं चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है दोस्तों। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों प्याज का पत्ता, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल में बनाइएगा दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों फ़ौरन, इसको चटकने देते हैं अच्छे से, सभी चीज़ अच्छे से चटक गए हैं दोस्तों। इधर मैं प्याज और सूखा मिर्ची और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, इसको हम भून लेते हैं एक मिनट तक प्याज को, जब तक हमारा गोल्डन कलर का प्याज नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्याज कितने अच्छे से भून गए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और ये हमारा प्याज का पत्ता, तो इसको अच्छे से चला लेते हैं दोस्तों। इसको अच्छे से भूनेंगे 3 मिनट, प्याज और आलू प्याज का पत्ता और आलू का अच्छे से हम 3 मिनट तक भूनेंगे दोस्तों, जब तक हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाए पत्ता और आलू थोड़ा हमारा लाल नहीं हो जाए, तब तक हम इसे 3 मिनट तक भूनेंगे बिना ढके दोस्तों। और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि हमारे ही गले में। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से हमारे आलू भूनकर लाल हो गए हैं। हमने इसको 3 मिनट तक भूना है दोस्तों धीमी आंच में। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारे ही भून कर तैयार है। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये हमारा रोस्ट किया हुआ मसाला। इसमें है धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्ची और सूखा मिर्ची दोस्तों। हमने इसको बड़बड़ा कूट ली थी दोस्तों, तो देख सकते हैं सभी कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट तक हम इसको ढक के पकाएं दोस्तों। और आँच को हम पूरा स्लो रखेंगे ताकि हमारा भाप में मसाला पक जाए और हमारा आलू देख सकते हैं दोस्तों आधा 50% पक गया है, देख सकते हैं दोस्तों कितने आसानी से कट रहा है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं एक मिनट तक इनको ढक के पकाएंगे दोस्तों भाप में। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों हमारा एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और टमाटर को हम करीब सभी कुछ काम करें दोस्तों और 5 मिनट तक पकाएंगे ढककर। और मैं इसमें ज़रा सा थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँ ताकि हमारा टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाए थोड़ा सा। अब इसको हम धीमी धीमी आँच में दोस्तों इसको हम धीमी धीमी आँच में 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए
और आलू हमारा पक गया है दोस्तों, कोई दिखाती हूँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं आलू पक कर पक गया है दोस्तों। हम इसको पाँच मिनट धीमी धीमी आँच में पकाते हैं ढककर, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर हमारा सब्जी जल जाएगा। इसमें देख सकते हैं कसूरी मेथी है दोस्तों, पाँच मिनट हो गए दोस्तों हमारे, साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया, हम इसको एक मिनट ढक देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कसूरी मेथी और धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए, फिर हमारी सब्ज़ी एकदम से बनकर तैयार है दोस्तों। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है दोस्तों, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आलू कितने अच्छे से पके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा आलू और प्याज का पत्ता का भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों। यकीन मानिए इतना टेस्टी बना है दोस्तों, बनता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। जब आप एक बार खाएंगे दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, सभी मांग मांग कर खाएंगे दोस्तों। अभी से बच्चों को टिफिन में, लंच वगैरह, ऑफिस वगैरह भी ले जा सकते, क्योंकि इतना हेल्दी और टेस्टी है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों।